हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मरांटा ट्राइकलर के बारे में बोल रही हूँ। ये ट्राइकलर मेरे ख्याल से इसको इसी की वजह से, लीव्स के कलर की वजह से नाम पड़ गया होगा। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये। ये लाइट पिंक कलर है, डार्क ग्रीन है और यहाँ पे भी डार्क है। तो देखिए इसकी लीव्स इतनी सुंदर दिखती है। ये इंडोर प्लांट है, लो लाइट प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है। इसको अगर आप में थोड़े भी धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ, इसके टिप्स है, ये ब्राउन हो जाती है, मीन्स ड्राई हो जाती है और ये जल्दी से ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ज़रा भी धूप डायरेक्ट सनलाइट में आप इसे मत रखो। ये शेड लविंग प्लांट है तो आप इसे इंडोर में बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो, उगा सकते हो और इसको रिपॉटिंग भी आराम से किया जाता है। अभी ये गमला तो पूरा भर गया है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो गई है। आप देख रहे हो इसे नीचे से, यहाँ से छोटे छोटे नए शूट्स आए, इसके बच्चे आ गए। तो अभी ये मैं रिपोर्ट करूँगी उसको दूसरे पॉट में। आप देख रहे हो ये इतना सा गमला है और ये इसमें इतना पूरी तरीके से भर गया है, जो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दिख रहा है। ये प्रेयर प्लांट के कैटेगरी में, वैरायटी में भी बोला जाता है इसको। इसमें बहुत सारी वैरायटी है लेकिन ये ज़्यादा करते बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इंडोर में के लिए बहुत ही बढ़िया दिखता है। देखिए इसके जो कलर है ये इतने अट्रैक्टिव है और इसको धूप जरा ही पसंद नहीं। इसके लिए इसको थोड़ा भी धूप में आप रखोगे तो इसको ये जल्दी से डैमेज हो जाता है। देखिए ये थोड़ा टाइम मैंने धूप में रखा तो ये इसके टिप्स ब्राउन हो गए हैं। आप देखिए कि ये जो प्लांट है ये, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। किसी भी इंडोर प्लांट के लिए मैं बोल रही हूँ आपको कि पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। इंडोर अगर आप रखते हो तो कभी भी पानी देना है तो आप अपनी उंगली ऐसे सॉइल पे रख के देखिए। अगर आपकी उंगली को मिट्टी लगेगी तो आप पानी मत डालिए, अगर सॉइल ड्राई हो तो ही पानी डालिए। अगर ये सॉइल ड्राई हो जाए या कम भी पानी इसको हो जाए या ज़्यादा भी हो जाए तो इसके पत्ते जैसे ऐसे मुड़ जाते हैं, जैसे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं और ये धीरे धीरे उसकी जो चमक है, जो शाइन है, ये भी चली जाती है। तो इसी प्लांट के बारे में, ये प्लांट जो है ये आप इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो, ब्राइट लाइट में भी ये अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। या फ्रेश एयर अगर आती है आपके किसी खिड़की के पास या आपके हॉल में या जहाँ उसको अच्छा उसको लाइट अच्छा लगेगा लेकिन डायरेक्ट उसके ऊपर सन नहीं आएगा, ऐसी जगह आप रख सकते हो। देखिए ये कितना अच्छा है, इजी टू ग्रो है और इसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर सकते हो, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, खाद के बारे में आप बोलेंगे तो इसको गोबर का खाद आप दीजिए। कभी भी किसी की भी प्लांट को वैसे गोबर का खाद अच्छा माना जाता है, समर में मत दीजिए लेकिन बाकी आप इसको खाद देंगे रेगुलरली तो ये अच्छा तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही बढ़िया प्लांट दिखता है। ये देखिए साइड में भी ऐसे अगर फूल करेंगे देखते ही मन जैसे अपना प्रसन्न हो जाता है। देखिए तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप भी देखिए इसको अगर आप घर में सजाए रखेंगे तो घर की ब्यूटी जैसे बहुत ही सुंदर दिखता है।